नमस्कार, मैं कनक। आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। हरियाणा में नुहू में खनन माफियाओं के डीएसपी को डंपर से कुचलकर मार डालने को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने प्रदेश सरकार की कड़ी निंदा की है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की नहीं बल्कि माफियाओं की सरकार चल रही है। ताबड़ू इलाके के पंच गांव में पहाड़ी पर अवैध खनन करने वाले माफियाओं द्वारा डीएसपी सुरेंद्र सिंह को डंपर से कुचलकर मारने का यह ताजा उदाहरण है। मालूम हो डंपर से कुचले जाने की वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल खट्टर वारदात में दोषियों पर कड़ी कार्यवाही के आदेश देते हैं, लेकिन कार्यवाही करने से कतराते हैं। अगर खनन माफियाओं पर पहले से ही कड़ी कार्यवाही की होती तो आज डीएसपी सुरेंद्र सिंह जिंदा होते। डीएसपी पंचगांव की पहाड़ी में बड़े स्तर पर चल रहे अवैध खनन को रोकने के लिए गए थे। उन्होंने मौके पर खनन कर रहे माफियाओं को रोकने का प्रयास किया तो उन लोगों ने उन पर पत्थरों से भरा डंपर चढ़ा दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पार्टी के हरियाणा प्रभारी डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में खनन माफियाओं को सरकार का साथ मिला हुआ है, वरना क्या कारण है कि कैग द्वारा 2018 में 5000 करोड़ के घोटाले को उजागर करने के बावजूद आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, बल्कि वर्तमान में यह घोटाला 85000 करोड़ तक जा पहुंचा है। यह पैसा सरकार के खजाने में आने की अपेक्षा प्रदेश के राजनेताओं और उच्च पदों पर बैठे पदाधिकारियों की झोली में जा रहा है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं व्यापारियों की बात तो दूर, अब विधायकों को भी सरेआम जान से मारने की धमकी मिलने लगी है। यह इस बात का सबूत है कि हरियाणा में चुनी सरकार नहीं बल्कि बदमाशों का राज चल रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से जल्द खनन माफियाओं पर नकेल कसने तथा डीएसपी सुरेंद्र सिंह को इंसाफ देने और उनके हथियारों को पकड़ने की मांग की है। अगर सरकार ने इस पर कुछ नहीं किया तो आम आदमी पार्टी को मजबूरन होकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।